नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है चार राज्यों का महाजनता सर्वे। दोस्तों, आखिरकार इन चार राज्यों के अंदर एबीपी न्यूज के जनता सर्वे के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार। दोस्तों, यहाँ पर एबीपी न्यूज ने अपना जनता सर्वे हाजिर कर दिया है और उन्होंने अपना सी वोटर का जो वोटर आईडी उन्हें अब पब्लिक कर दिया है। दोस्तों, आखिरकार इन एबीपी न्यूज के इस सी वोटर के माध्यम से किसकी बन सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इन चारों राज्यों के अंदर सरकार। दोस्तों, आखिरकार एबीपी न्यूज ने जो अपना सी वोटर जारी किया है उसको देखकर अच्छे अच्छे की सांसें तंग रह गई हैं, क्योंकि दोस्तों जो होना नहीं था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे अगले साल पांच राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, और पांचवा राज्य मणिपुर है जिसको हम यहाँ पर एड नहीं कर पाए हैं। पर दोस्तों, पांच राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, हम पांचों राज्यों की डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। पर दोस्तों, हम यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी अभी मौजूद की सरकार है हम सभी जानते हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया जो कि वो पिछले बार के सीएम थे, और यहाँ पर अभी के मेन सीएम है रणजीत सिंह चेनी। और दोस्तों, यहाँ पर सिद्धू जी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देकर कुछ एक बड़ा झंडा गाड़ दिया है। पर दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस की आपसी लड़ाई को देखते हुए पंजाब में कांग्रेस के ऊपर बढ़ता हुआ खतरा आम आदमी पार्टी को भरपूर आनंद देता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पर गोवा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी अपना जोर लगा रही है और उनका मानना है कि वो एक बार अपनी सरकार बनाएंगे और इस बार फिर से कांग्रेस के झंडे को गिराकर अपना झंडा एक बार फिर से और ऊंचा कर देंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने की करी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 403 सीटों में से 300 से प्लस सीटें अपने पार्टी को देने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ इतने हल्के बुलके सीएम तो नहीं है कि वो 403 सीटें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के खेमे में जाने देंगे। पर दोस्तों, यहाँ पर हार जीत कोई निश्चित नहीं है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की भी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी मौजूद की सरकार बीजेपी की है और बीजेपी एक बार फिर से चाहेगी कि वो अपनी सरकार बनाए यहाँ पर और कांग्रेस का एक बार फिर से धूल चटाई कर दे। पर दोस्तों, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी इस बार पीछे नहीं है। यहाँ पर पंजाब, गोवा और उत्तराखंड इन तीनों राज्यों के अंदर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर हम मणिपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की 60 सीटों में से हम आपको सीरियसली बता लेते हैं कि सी वोटर यानी कि एबीपी न्यूज के जो सी वोटर है उसने जारी किया कि 60 सीटों में से 35 से 40 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हासिल कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर सीएम बदलने के बाद भी बीजेपी यहाँ पर 35 से 30 सीटें हासिल करके अपनी जीत का दायरा तय कर। दोस्तों, हम इन चार राज्यों के बारे में डिटेल से जानेंगे, उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों, इसे मैं आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तमाम जानकारी मिलती रहेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल द इंडियन न्यूज के ऊपर। और दोस्तों, आप इन चार राज्यों के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे और हमें कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य से हैं और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आइए और अपनी पार्टी के लिए कमेंट अवश्य करें। तो दोस्तों, यहीं पर हम जान लेते हैं एक एक राज्य की एक एक सीट के बारे में। हम यहाँ पर पहले राज्य की बात करें तो यहाँ पर हम पहले राज्य में गोवा की बात करेंगे। गोवा की दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों से शुरू करें तो 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों का बहुमत अपने हाथ हासिल कर सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 सीटों का सर्वाधिक बहुमत है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 2 सीटों का बहुमत मिल सकता है। पर दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बराबर का 3 सीटों का बहुमत अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। पर दोस्तों, इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगले राज्य की उत्तर प्रदेश की हम 403 में से 50 सीटों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक 50 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी जो कि 18 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जो 280 लीड है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सर्वाधिक बहुमत 21 सीटों का हासिल कर रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बहु समाजवादी पार्टी को अभी यहाँ पर 4 सीटों का पक्का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अदर खाते में भी 4 सीटों का ही बहुमत है। साथ ही दोस्तों, हम इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात कर ले तो अगले राज्य की हम उत्तराखंड की 70 में से 10 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। और 10 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि बीजेपी यहाँ पर सर्वाधिक बहुमत 4 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देख ले तो कांग्रेस पार्टी भी बराबर 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अगले राज्य आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें ही हासिल कर पाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों, यहीं पर हम इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगले राज्य की पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की 117 सीटों में से 20 सीटों के बारे में हम बात करेंगे। और 20 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक बहुमत 12 सीटों का हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों अच्छी खासी लीड है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटों का ही बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में भी 1 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 20 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर फिर से दोस्तों हम यहाँ पर गोवा की 40 में से 18 सीटों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 18 सीटों में दोस्तों देखने वाली बात है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 2 सीटों का बहुमत अपने नाम करके नाबाद है। और यहाँ पर देखिए
जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 10 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों अच्छी खासी लीड है। और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का ही बहुमत है। साथ दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 में से यहाँ पर 150 सीटों के बारे में बात करेंगे। और 150 सीटों में दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी 70 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों आपकी लीड को काफी तेज बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें हैं और यहाँ पर एसपी सरकार यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 60 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 10 सीटें बीजेपी से पीछे है। और यहाँ पर बहु समाजवादी पार्टी को भी 8 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 5 सीटों का बहुमत है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगले राज्य के दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की 97 से 20 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। 20 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटों का बहुमत जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों अच्छी लीड है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 6 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों का ही बहुमत मिल पाया है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। जबकि दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगले राज्य के हम पंजाब की 117 में से 40 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। और 40 विधानसभा सीटों में से दोस्तों देखने वाली बात है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 18 सीटें हासिल कर चुकी है और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पीछे 17 सीटों पर मौजूद है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अकाली खाते में सिर्फ 3 सीटों का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी भी 1 सीट लेकर नाबाद है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम गोवा की 25 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। 25 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 8 सीटों का बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटों का ही बहुमत है और यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 सीटों का पक्का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम अगले राज्य के बारे में बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की 250 सीटों में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 120 सीटों का बहुमत जमा होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटों का ही बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर एसपी सरकार खाते में 97 सीटें हैं और यहाँ पर बीएसपी खाते में 14 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 8 सीटों का बहुमत है। पर दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो अगले राज्य की उत्तराखंड की हम 97 से 30 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 17 सीटों का बहुमत जता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देख ले तो कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटों का ही बहुमत और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 4 सीटों का पुख्ता बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 1 सीट का बहुमत है। जबकि दोस्तों हम यहाँ पर इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर पंजाब की 80 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। और 80 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी 37 सीटें हासिल करके अपनी लीड को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पीछे ही 34 सीटों पर मौजूद है और यहाँ पर अकाली खाते में 6 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं तो उधर खाते में 1 ही सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर गोवा की 35 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 35 में से कांग्रेस पार्टी 10 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी 5 सीटें हासिल कर पा रही है और यहाँ पर बीजेपी खाते में 19 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की 350 सीटों में दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी 173 सीटें हासिल कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें मिल पा रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी 143 सीटें हासिल कर रही है और यहाँ पर बीएसपी खाते में 14 सीटें, जबकि अदर पार्टी खाते में 8 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड की 97 से 50 सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 27 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 15 सीटें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 7 सीटें हासिल कर रही है और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर पंजाब की हम 100 विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। 100 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी 47 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 41 सीटें, तो यहाँ पर अकाली 8 सीटें हासिल कर रही है और बीजेपी खाते में 3, तो अदर पार्टी खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर गोवा की हम 40 में से 40 सीटों के बारे में बात करेंगे। और 40 में से 40 दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 12 सीटें हासिल कर पाई है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 6 सीटों का बहुमत जमा हो चुका है और यहाँ पर बीजेपी जीत का दायरा 21 सीटों से तय करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 1 सीट है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पिछली बार गोवा के अंदर बीजेपी को 17 सीटें ही मिल पाई थी, फिर भी अपनी सरकार बनाती थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक गठबंधन भी था इनके साथ। और यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की 403 में से 403 सीटों के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी सी वोटर के माध्यम से एक बार फिर से 203 सीटों के साथ जीत का दायरा तय कर सकती है और यहाँ पर कांग्रेस खाते में 12 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर एसपी सरकार खाते में 166 सीटें जमा हो पाई हैं, जबकि यहाँ पर बीएसपी खाते में 14 है तो उधर खाते में 8 सीटें हो पाई हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपनी सरकार का प्रचंड झंडा लहरा सकते हैं और यहाँ पर एक बार फिर से हल्ला बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर समाजवादी और बहु समाजवादी पार्टी के चुपचाप चेहरे बंद कर सकती है और यहाँ पर एक बार फिर से इनके मुंह पे ताला लगाया जा सकता है। दोस्तों आखिरकार 203 सीटों के साथ एक बार फिर से दूसरे राज्य के अंदर बीजेपी सरकार बन सकती है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड की दोस्तों यहाँ पर 70 में से 70 सीटों के बारे में बात करेंगे। 70 में से 70 की दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 33 सीटों का तख्ता बहुमत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 19 सीटें जमा हो पाई है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 11 सीटें हासिल कर पाई है बस, और यहाँ पर अदर खाते में सिर्फ 3 सीटों का ही बहुमत जा पाया है। पर दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से तीसरे राज्य के अंदर लगातार बैक टू बैक उत्तराखंड के अंदर भी तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 37 सीटें ले सकती है 70 में से। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुंह बंद कर सकती है बीजेपी।
बीजेपी। और यहाँ पर इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लास्ट एंड फाइनल पंजाब के बारे में बात करें। पंजाब की 117 सीटों में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी 57 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर अकाली खाते में सिर्फ 8 जिम्मेदार सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी भी 1 सीट हासिल करी है। दोस्तों यहाँ पर एबीपी न्यूज के सी वोटर के माध्यम से देखा जाए तो 117 में से यहाँ पर आम आदमी पार्टी 57 सीटें हासिल कर सकती है और यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल पाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तीसरे राज्य चौथे राज्य के अंदर लगातार इस बार कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी अपना प्रचंड लहरा सकती है। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर चारों राज्यों के अंदर कांग्रेस किसी भी राज्य के अंदर कोई पक्का बहुमत हासिल नहीं कर पाई, सिर्फ पंजाब को छोड़कर। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली बीजेपी का किसी का भी नंबर नहीं आ पाया पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रचंड झंडा लहराकर यहाँ पर एक नई जीत का शुरुआत कर दी है। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर जवाब दीजिएगा, और अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल, जनता सर्वे और पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से संबंधित तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत